What a stunning win from Peshawar Zalmi! The way they recovered in this match—it was quite epic—and they needed this win. Their bowlers were falling short in the previous games, but uh, the disappointment on the Karachi Kings fans, was seen by uh, yet again on the losing end of things. Babar Azam, a very proud captain indeed. They've got points in the bag, and they've started off the Pindi leg on a wing note. Hello and welcome to Pitchside once again and it's always a pleasure to have you all here. Peshawar Zalmi, what a spectacular win for them. Remember the way they started this game? They lost a couple of wickets just in that power play, in that first over. Mohamed Amir was quite brilliant. But the way they came back from there onwards, it, there was no stopping them. And when you're talking about their batting, I think there was one standout player in their batting department today.

बिल्कुल शौक़ था क्रिकेट का मुझे बचपन से आ, स्कूल टाइम से मुझे शौक़ था मैंने अपने जो क्लब है उसके लिए मैं चार पाँच साल पानी लेकर जाता था और मैं बहुत खुश होता था कि मैं वो सिर्फ मुझे फिल्डिंग कराया वो लोग तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने फिर अंडर 16 के ट्रायल्स आए तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और बलूचिस्तान से मैंने उधर बहुत अच्छी परफॉर्म की बलूचिस्तान से हाई स्कोरर रहा तो उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर भी बलूचिस्तान अंडर 16 खेला उसमें परफॉर्म किया मैंने और मैंने पाकिस्तान में सेकंड पे था उस वक्त तो उसके बाद मुझे चांस मिला अंडर 16 पाकिस्तान खेलने का फिर मैंने पाकिस्तान अंडर 16 खेला उधर भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बांग्लादेश के खिलाफ मैंने शो किया था तो उसके बाद मैं अंडर 19 में भी आया अंडर 19 में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया तो वर्ल्ड कप में भी अलहमदल्ला मैं पाकिस्तान से हाइस्ट स्कोर था और ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सेकेंड हाईस्ट स्कोर था उसके जी जी तो उसके बाद पाकिस्तान कप में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने टॉप किया था पाकिस्तान कप को और इस साल मैं सेकंड टॉप रन गेटर था और बेस्ट विकेट कीपर भी था थ्री फोर टू पे इन्होंने वॉक इन किया सना आसान नहीं होता जब आपकी टीम इस सिचुएशन में हो के ऊपर से विकेटें जो है गिर गई हो तो आपको इनकी इनिंग्स के बारे में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी या इम्प्रेस की मुझे सब पूरी इनिंग्स ही बहुत ज़बरदस्त लगी सबसे बात तो वही जो आपने बात की है कि दो रन पे तीन विकटें गिरने पे जब आप अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली एक एडिड प्रेशर आपके ऊपर होता है पर प्रेशर बिल्कुल नज़र नहीं आया ओवरऑल क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी इनकी शॉट्स की और बैक फुट हो या फ्रंट फुट फास्ट बॉलर हो या स्पिनर मुझे कहीं पर कोई वीकनेस नज़र नहीं आई और आई थिंक इस एज में इतनी कंसिस्टेंसी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप दोनों तरह के बॉलर्स के ऊपर चाहे फास्ट हो चाहे स्पिन हो उनके ऊपर बाउंड्रीज ले सकें भी 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 मारे, चौके भी मारे, चौके सिंगल्स लिए और और आई आई थिंक थिंक बड़ी जबरदस्त रोल प्ले किया इन्होंने टॉम uh, कैडमोर के साथ और यही पेशावर को जो जीतने में एक बहुत वहांक प्लेटफॉर्म इनकी पार्टनरशिप से, इनकी से मिला है जहाँ से फिर uh, वो एग्जीक्यूशन हुई है। प्रेशर प्रेशर लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं लेते उसके उसके बारे में बताएं लाइक लाइक यू यू एक्चुअली सीम अ वेरी काम एंड कूल कैरेक्टर बिल्कुल यही सोचता कि सेमी वाई से बात हो रही थी वो यही कह रहा था कि आप क्लब क्रिकेट में जिस तरह खेलते हो वह जाके इसी तरह एंजॉय करें तो मैं गया मैं मैंने बॉल टू बॉल खेला और केडमोर <laughs> के साथ बात की उसने कहा अगर आप यहाँ पे चार पांच ओवर खेल लेते हो तो मुझे पता है कि आप चक्के मार सकते हो उसके बाद तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया पहले जाके तो उसके बाद रन हो गए वो नजर आ रहा था कि डेरन सैमी की जो एक मोटिवेशनल uh, टॉक थी इट वाज वेरी एविडेंट विद द वे ही प्लेड व्हिच इज व्हाई ही इज आल्सो आवर मास्टर ब्लास्टर फॉर टुडे जब भी कोई नया लड़का आता है और इस तरह आके इस परफॉर्म करता है और इंपोज करता है इट्स ऑलवेज हार्टनिंग टू वॉच प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स

सीधा छक्का तो हमेशा ही विजुअली इट्स ऑलवेज सो प्लीजिंग ऑन दी आई अच्छा ये बताए कि बैटिंग आइडल आपका कौन रह चुका है इन द पास किसको देख के यू ऑलवेज आइडलाइज कि मैंने ऐसे बैटिंग करनी है मैं अक्सर सैद का बैटिंग देखता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव खेलते थे तो मैं उनका बैटिंग ज़्यादा देखता हूँ और वो स्टो, वो स्टोरी भी जरूर बताएं अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आप अपना नेट खुद बनाया हुआ है वहाँ पर तो उसके बारे में बताएं वो कैसे आइडिया आया और वो कितना आपके लिए ज़रूरी और कितना उससे आपको फायदा मिलता है बिल्कुल हमारे यहाँ तो इतने फैसिलिटीज नहीं है तो मेरे वालद साहब मुझे खुद बॉलिंग कराता है और मैंने अपना नेट बनाया अपने घर में तो वहाँ पे हम खेलते हैं तो वही बॉल शिक्स से बॉल कराता है मुझे अच्छा ये बताओ कि अब यू नो यू स्टार्टेड ऑफ सो वेल Sort of परफॉर्मेंस भी थी। सबने अप नोटिस कर लिया है बिल्कुल तो like right हर प्लेयर का यही ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें मेरा ख्वाब ये कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ बल्कि रिप्रेजेंट नहीं करो ज़्यादा ज़्यादा अरसे तक रिप्रजेंट करो और मुसलसल पाकिस्तान के लिए अच्छा करूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ ठीक है हम भी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की और इनिंग्स भी हमें मिलें हसीबुल्ल की तरफ से देखने को बिकॉज आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली हैं जिस तरह की शॉट्स खेली हैं ओवर एक्स्ट्रा कवर ऑन द लेग साइड आई मीन इट वॉज जस्ट नाइस टू सी दैट बैट्समैन इज कमिंग थ्रू इन द एच पी एल पी एस एल बिकॉज नॉर्मली हम बॉलर्स को बहुत बिगअप uh, करते हैं बट इट्स इट्सो नाइस टू सी कि कुछ इस दफा बैटिंग टैलेंट भी नज़र आ रहा है एच बी एल पी एस एल में ऑन दैट नॉट विल टेक अ शॉट ब्रीद और जब हम वापस आएंगे विल बी ज्वाइन बाय अ न्यू गेस्ट टू टॉक अबाउट दिस मैच इन मोर डिटेल।